सारे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है इस शो के। काफी यूनिक सा ड्रामा लग रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट तो भाई मैंने हॉलीवुड में भी कभी नहीं देखा भाई। यार देखना पड़ेगा यार, ये तो ये ग्रीन वालों का है भाई, कि ये अलग ही चीज लेके आ रहे हैं ग्रीन वाले। ग्रीन एंटरटेनमेंट ये तो है। आज हम देखने वाले हैं पागल खाना, एक ड्रामा है जिसके सभी टीजर्स एंड इसका ट्रेलर भी सबा कमर और समी खान का ड्रामा, इसके अलावा भी बहुत बड़ी कास्ट है इस ड्रामा में, तो टीजर सारे देख लेते हो। और ये ड्रामा काफ़ी, इसकी रील्स बहुत वायरल हो रही है स्पेशली, तो इसलिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे इंस्टाग्राम पे, लोग इसकी रील भेज भेज के मैसेज कर रहे थे, हालांकि मैंने एक भी रील इसकी प्रॉपर देखी नहीं है। मैंने शायद एक कोई सी देखी है, और उसके जो कमेंट पड़े ना, तो फिर मेरे को लगा कि यार सच में कुछ तो है। फिर मैंने देखा इनकी रिक्वेस्ट भी आ रही इस चीज़ की, तो चलो। कमेंट इस तरह के आ रहे हैं कि भाई ये ड्रामा देखने वाला पक्का पागल हो हाँ, ऐसे जाएगा। कमेंट आ रहे हैं तो देखते कि भाई ऐसा क्या है तू इस भी ड्रामे पागल मैं में। भी पागल सब पागल, वो वाला सीन हो रहा है। तो चलो वो कमेंट्स के भी आप हम ये देख लेते, तो टीजर वन देखते पहले। या भी को ओ बेड़िया लगी। प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जिसका नसीब ये ओ वो नेमत है जो देकर ली नहीं जाती। बेवफा गद्दार है और हर गद्दार की सजा मौत है। भारी भारी डायलॉग है यार शुरुआत में। एक्टिंग देख रहा है भाई तू? देख रहा है। और तो कास्ट कास्ट कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी शुरुआत में कास्ट बड़े भारी भारी डायलॉग, मतलब प्यार इश्क मोहब्बत के चक्कर में ही लोग पागल हो जाते हैं, वही बात है। है। और जो दगा के बाद में जो धोखा हुआ, और उसकी सजा वाला जो सीन, जो डायलॉग बोला उन्होंने, मेरे को हाँ, लगा भाई ये क्या हो रहा है ये इतने। गुनहगार को हमेशा सजा मिलती और उसकी है, सजा है मौत होती है, ऐसा कुछ मौत पता। नहीं, उसकी सजा है बस, उस छोड़ दिया उसके बाद हाँ ऐसा छोड़ दिया, तो वो बोल एक और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगी भाई, सजा क्या क्या मार चाहती क्या रहा। हो ये क्या रिवेंज तो स्टोरी है रिवेंज क्या, स्टोरी है क्या भाई? बाकी देखते हैं भाई टीजर ये टू। पागल खाना तो नहीं लग रहा था, मतलब कितना बस वीडियो से कास्ट बांधा बहुत उन्हें, बड़ी है इसमें, तो हो सकता है कुछ हो, पता स्पेशल चलेगा। वाला पागल खाना। नेक्स्ट टीजर देखते हैं अभी तो। जिंदगी की उलझन को सुलझाते हुए कोई उलझ जाए तो वो पागल नहीं, हाँ मगर उसे पागल कहना पागलपन है। वाह, ये डायलॉग बहुत अच्छा था यार वैसे। हाँ, जिंदगी जिंदगी की की उलझनों उलझनों में में कोई तो उलझ जाए तो वो पागल नहीं, लेकिन हाँ उसे पागल कहना पागलपन है। दैट्स नाइस, बहुत बढ़िया था ये। सही था भाई। सबा कमर की लाइफ पर ही बेस्ड होने वाला है लगता है ड्रामा, इनके साथ अच्छा काफी कुछ हो रखा है इस ड्रामा में। नेक्स्ट लेट्स सी। टीजर देखते हैं अभी तो। आ गया वो मकाम लगता है, एक चेहरा तमाम लगता है, नियतों का फतूर गायब है तो मुकद्दस मकाम लगता है, एक चेहरा तमाम लगता वाह भाई, है। इनको प्यार है लगता है समी खान से, है ना? ओएसटी सुनना, ओएसटी भी अच्छा है, कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए हमने थोड़ा सा रोक दिया है। बाकी बाकी ओएसटी सही है। ये वादा याद है तुम्हें भूल जाएंगे, ये मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है, लेट्स पूरा अभी तक सुनेंगे। स्टोरी कुछ भी रिवील नहीं हुई है टीजर 3 तक, बस ना बाकी पागल खाना, डायलॉग बहुत अच्छे अच्छे सुनने को मिले, और ये समझ आ रहा है कि सबा कमर के कैरेक्टर से कुछ है यही पंगा। सारे डिप्रेशन वगैरह में रहने वाली है, और पागल खाने वाला कुछ सीन समझ नहीं आया अभी, देखते हैं। या फिर ये डिप्रेशन में इसलिए इनको ये इस तरह की शायरी करती है इसलिए लोग इनको पागल पागल बोलते ये भी हो सकता है, हो। जैसे उन्होंने बोला कि वो पागल नहीं है, उसे कहना पागल है, वो वाली हाँ शायरी शायरी उन्होंने खुद के लिए कही होगी। हाँ चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये भी ये दुनिया एक पागल खाना है और हम इसके कैदी। द इलेवेंथ क्लब ना तो पागल खाना है, ना ही नफसियाती और दिमागी बीमारियों की इलाज। ओ भाई ये तो साहब, एक हसीन दुनिया है जो चंद हसास लोगों के लिए बसाई गई है। ये तो इससे पूछो, जल्दी तो तुम्हें, तुम खुद पर ध्यान दो, कब तक एकतरफा मोहब्बत करती रहोगी? मोहब्बत होती ही एकतरफा है, दो तरफा तो सड़कें बनती। ओ भाई, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं हो रहा, वहां तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है, चलो। डॉक्टर, यहाँ रहूं या वहां बात तो एक ही है। ये भाई पागल खाना है, लेकिन एक्चुअली में पागल खाने जैसा नहीं मेरे है। ख्याल से यहाँ पर डिप्रेस्ड लोग आते होंगे जो डिप्रेशन में रहते हैं, या फिर जिनको धोखा वोखा मिल गया होता है, इस तरह के लोग आते नहीं, हैं। ऑलमोस्ट है तो पागल खाना ही, लेकिन ये शायद अमीरों का पागल खाना लग रहा है, जिस तरह से इसका क्राइटेरिया देख रहा हूँ ना मैं, पूरा रूम वगैरह सजे हुए पूरे, हाँ, तो बेसिकली इसकी फीस ज्यादा होगी, इसलिए इसको इस तरह से मेरे को ये लगता है कि लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने निकालने का में मदद काम यहाँ करते पर हैं। होता होगा, क्योंकि आज के टाइम में यार डिप्रेशन जैसी चीज़ जो है बहुत कॉमन हो गई है, और लोग हमें पता भी नहीं कि हमारे पास वाले बंदा डिप्रेशन में हो, क्या भरोसा। क्यों साहिल,
मुझे देख के क्यों बोल रहा है एक टाइम पे हो सकता है ऐसा, सबको अपने अपने जैसे यार देखो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे हंस रहे, मतलब हमारी लाइफ में सब ठीक चल रहा है, उतार चढ़ाव से भी लाइफ में आते हैं। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे खुशियाँ नहीं होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है, सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है लेकिन एक दूसरे को शेयर नहीं करते। चलो टीजर 5 देखते हैं। प्यार हो सकता है, मोहब्बत की जा सकती है, लेकिन गैर अल्लाह से इश्क नहीं हो सकता। आग से डर नहीं लगता, तेरे अंदर फायर आ गया, जीना मरना आ गया। और अगर नई मोहब्बत मिल जाए तो पुराना इश्क भुलाया जा सकता है। मुझे ज्यादा मत भड़काओ, सब जल जाएगा। तो फिर वो भी बता दो ना जो राज अपने दिल में छुपा के रखा हुआ है। बता दे उसे तू कौन है। भाई तो डॉक्टर समझ रहा था मैं उसको, ये तो पागल है। यूनिफॉर्म भी अलग पहनी हुई, इसका मतलब इसके अंदर सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। हाँ मतलब ये ऐसा नहीं है सिर्फ एक कैरेक्टर पे बेस्ड, सारे कैरेक्टर्स में इम्पोर्टेंट, खास करके जो फोटो में दिख रहे हैं ना ये सारे कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है इस शो के। काफी यूनिक सा ड्रामा लग रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट तो मैंने हॉलीवुड में भी कभी नहीं देखा। यार देखना पड़ेगा यार, ये तो ये ग्रीन वालों का है भाई कि ये अलग ही चीज लेके आ रहे हैं ग्रीन वाले, ग्रीन एंटरटेनमेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं ये अभी को। ये टीना है, शी इज एन एक्ट्रेस, अ मॉडल। हर कोई चाहता है मुझे, मेरी शोहरत तो देखो। क्योंकि मुझे डर पसंद नहीं और मैं प्यार करने से डरती। बैरी यू अंडरस्टैंड मी, आई लव यू। आई लव यू कह दिया। मोहब्बत भी करते हो और नजरें भी चुराते हो मुझसे। सब कहते हैं दीवानगी है, मैं कहती हूँ प्यार है। भाई भाई, भाई मुझे सारे देखना है टीजर्स यार, सब कैरेक्टर को दिखा रहे हैं, अलग-अलग कैरेक्टर पे अलग-अलग टीजर ओएसटी होगा। हाँ ओएसटी अलग-अलग होगा क्योंकि इसमें जो ओएसटी था वो इनका डिस्क्राइब कर रहा है कैरेक्टर। सब कहते हैं मुझे दीवानगी है लेकिन मुझे प्यार है। भाई क्या हो रहा है भाई, ये छठा था, सातवां भी देख लेते यार। देख ही लेता, अब तो मजा आ रहा है। शुरू करते हैं, या वी गो। मेरे लिए उसकी दीवानगी, मोहब्बत में तड़पना, थोड़ा पागलपन कहीं मेरे अंदर बहुत अच्छा लगता है। ये कहीं अच्छा लगता है, राज है कोई आंखों से मेरी वो पढ़ ना सके। मेरा हम नफस था और मैं नफ्स का गुलाम, सलमान तावर। भाई साहब अब ये भी सच में डॉक्टर है या पेशेंट है? ये तो एक्चुअली इसके बॉयफ्रेंड या फिर होने वाले बॉयफ्रेंड या होने वाले पति या जो भी है वो उसके इसके चक्कर में वो पागल हुई है, इसलिए वो यहाँ पे भर्ती हुई है। और ये बंदा उसको वो बता रहा है, उसके लिए बात करिए, वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा भी लग रहा है, मेरे लिए इतनी पागल है बोल तो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे अच्छा भी लग रहा है, मेरे लिए इतनी पागल है। और समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है वो वाला सीन। तो चलो यार देख लेते हैं और क्या है। तो टीचर नंबर 8 देख लेते हैं भाई, उमेर राणा का है ये अभी का। हल फरोश तरबूज सालिम खरीदता है और तुम जैसे लोग उसे कटवा कर लेते हो, ये इंसाफ है? बड़े ब्रांड से बैग खरीदते हो 20 लाख में और ठेले वाले से रेट कम करवाते हो, ये कैसा इंसाफ है? लेट्स गो तैमूर। नाइस, तो मतलब इनको सोशल सर्विसिंग का थोड़ा सा बहुत ज्यादा सवार है। हाँ। ये मतलब अपने घर वालों के ही खिलाफ है, ये मुझे ये इनके घर वाले लग रहे हैं मुझे। ड्रामा मुझे मूवी की याद दिला रहा है क्रेजी 4। क्रेजी 4 उसके अंदर पागल तो होते हैं लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर और सही होता है, लेकिन वो जो चाहते हैं वो समाज के लिए अच्छा चीज चाह रहे हैं, दुनिया के लिए अच्छी चीज चाहते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके लिए नहीं होती है। मतलब वो दुनिया जो है बहुत जालिम और कमीनी दुनिया है, वो सच्चे दुनिया है और वो कुछ ज्यादा ही सच्चे। तो इसमें भी ऐसे ही कुछ है। ये जो लोग हैं जो इसके अंदर भर्ती हॉस्पिटल में, जो कहने के लिए हॉस्पिटल लेकिन होटल से कम नहीं लग रहा है। लेकिन भाई अभी तक जितने भी देखे ना मजा आ गया यार। अब चलो फाइनली ट्रेलर देख लेते हैं और खत्म करते हैं इसको। आज का मौजू है जिल्लतों की दास्तान। The 11th Club पागल खाना है, ना ही जहनी और नफसियाती मरीजों की इलाज का। ये तो एक छोटी सी दुनिया है जो आप लोगों के लिए बसाई गई है। मैं साइकोलॉजिस्ट क्लब हाँ। बैरी खामोश, क्लास में कोई शोर ना मचाए, अभी तो कहानी और किरदार खुलेंगे। जिंदगी पर बात करने जा रही हूँ अपनी, कसूर मेरा है। मैं तुम्हारी लव स्टोरी की विलेन नहीं। आपसे जुदाई
उसकी रिहाई है। इश्क है नेमत, रब की है रहमत, हो नसीब सबको ये मुमकिन। तुम टूटे हुए रिश्ते जोड़ना चाहते हो, लेकिन पहले दिल जोड़े जाते हैं। सम्मान इनोसेंट नहीं है। लायर, इस कहानी का मरकजी किरदार है तुम, भाग क्यों रहा है? डरता नहीं हूँ मैं आपसे। जिंदगी में काफी कुछ हुआ है उसके साथ, और उसकी ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैं क्या चिड़ियाघर का बंदर हूँ? निकलो यहाँ से, चलो। ये नफ्सियाती मरीज है, पागल नहीं है। अभी इस कहानी की पंचलाइन बाकी है। देखिए नया ड्रामा सीरियल पागल खान। घुमा दिया इसके सारे कैरेक्टर पागल थे मुझे तो, बट अपनी चीज के लिए वो सब चीजें। कैरेक्टर तो इसमें मतलब 11 कैरेक्टर तो अलग ही है, मतलब जो द 11th क्लब में है। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जो सबकी अपनी स्टोरीज भी है। भाई मैं पागल हो रहा हूँ सच में, सही बोल रहे लोग। ये ड्रामा देखो तो खुद पागल ना हो जाओ भाई। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आए। क्रेजी फोर में तो सिर्फ 4 थे, लेकिन यहाँ पर 11 है। और 11 नहीं हो तो ज्यादा ही कैरेक्टर है। और भाई इसमें ओएसटी कितने हैं यार, मैं तेरी जोगन दीवानी एक और ओएसटी बज गया बीच में, मतलब कितने गाने होने वाले हर एक के लिए, अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग गाने, समझ रहे थे वो चीज। बाकी जो भी इंटरेस्टिंग बहुत लग रहा है, और मेरे को तो लगता है ये ड्रामा बहुत ज्यादा हिट जाने वाला है। हो सकता है अभी इसकी हाइप कम हो, लेकिन जैसे जैसे इसके ये लॉन्ग टर्म वाला है ये, जैसे अगर ये बार इंडिया में वायरल हो गया ना भाई, फिर तो ये सुपर हिट है। इंडिया में वायरल होना चाहिए बस इसको एक दो बार। और जिस तरह से एपिसोड में देख रहा हूँ यार, 7.2 मिलियन व्यूज है, तो अच्छे खासे व्यू है, मतलब ये कोई कम नहीं होते 7.2। बड़े हिट ड्रामास में ये है, मतलब ये तो जो भी बात बहुत इंटरेस्टिंग। और सबा कमर यहाँ पर लीड है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग करती है हमेशा सबा कमर ड्रामा। इससे पहले उनका जो टैक्सी ड्राइवर बनी थी वो ड्रामा भी काफ़ी अच्छा लगा था मेरे को। बाकी ये भी बहुत ही अलग टाइप का है। एक्चुअली मैं हम लोग यहाँ पर सिर्फ 5 या 6 टीजर्स पर रिएक्शन देने वाले थे पहले, बट जैसे जैसे देखते गए ना हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, तो हमने एंड टू एंड डिसाइड किया कि चलो अगले और देख लेते हैं। टीजर 8 भी देखना पड़ेगा। टीजर 8 भी देख लिया हमने यार, सच में मजा आया हमको। बाकी मजेदार लग रहा है। और आप बताना, आप लोग अगर इस ड्रामा को देख रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है ये? बाकी मैं भी सोच रहा हूँ शुरू करने का, बताना। बाकी आप लोगों के कॉमेंट्स पर डिपेंड करता है ये मैं शुरू करता हूँ या नहीं, तो कॉमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना, और वीडियो को लाइक करके शेयर करके फॉलो कर लेना हमारे फेसबुक पेज को भी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, नॉट ऑल।